तो दोस्तों, जिंदगी में इतनी तेजी से आगे दौड़ो कि लोगों के बुराई के धागे आपके पैरों में ही आकर टूट जाएं। हेलो एवरीवन, स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा, और वापस आ गया हूं द हिंदू की खबरों के साथ। आज डेट है July 1, 2019 और डे है सुपर मंडे। तो मंडे का दिन है, नया महीना है। तो चलिए, शुरुआत करने से पहले आपको एक चीज़ और याद दिला दूं कि मैं अनअकैडमी के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे एक वेरीफाइड एज वेल एज प्लस एजुकेटर हूँ। अनअकैडमी के प्लस प्लेटफॉर्म पे मैं आप लोगों के लिए डेली करंट अफेयर शो लेकर आता हूँ। तो अगर आप लोग अनअकैडमी के प्लस मॉडल की तरफ मूव कर रहे हैं तो नीचे दिए गए टेलीग्राम लिंक पर मुझसे संपर्क करना ना भूलिएगा, क्योंकि आपको मिल सकता है एक्स्ट्रा डिस्काउंट। मैं आपके लिए आज का एक सवाल है, आपके लिए सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ केव्स इन इंडिया एंड देयर लोकेशंस। आपको केव्स के नाम लिखे हुए हैं, उसके सामने जगह के नाम लिखे हुए हैं, प्लेसेस के नेम लिखे हुए हैं, आपको बताना है कि कौन से यहां पर करेक्टली मैच्ड है। नंबर वन अजंता केव्स, उसके सामने है औरंगाबाद महाराष्ट्र। नंबर टू बोरा केव्स, सामने है कुर्नूल आंध्र प्रदेश। नंबर थ्री इड्डाकल केव्स, सामने है वायनाड केरला। नंबर फोर कुटुमसार केव्स, सामने है विदिशा मध्य प्रदेश। नंबर फाइव बदामी केव्स, सामने है बगलकोट कर्नाटका। आपको बताना है करेक्टली मैच्ड पेयर्स कौन से हैं। ऑप्शंस हैं ए 1 2 3, बी 3 4 5, सी 1 3 5 एंड डी ऑल ऑफ द अबव। जल्दी से अपने अपने आंसर्स आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। शुरुआत करते हैं आज के लिए आज के द हिंदू की खबरों के साथ। पेज नंबर वन, पहली खबर मिलती है आफ्टर सरप्राइज ट्रंप के मीटिंग, न्यूक्लियर टॉक्स टू रिज्यूम। यहाँ पर एक सरप्राइज मीटिंग हमें होती हुई नजर आई है यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप और यहाँ पर नॉर्थ कोरियन लीडर किम जोंग उनके बीच में। डोनाल्ड ट्रंप पहले सिटिंग यूएस प्रेसिडेंट बने जिन्होंने अपने पैर नॉर्थ कोरिया के अंदर रखे हैं, नॉर्थ कोरिया घूमने गए हैं, ओके। और यहाँ पर जो मीटिंग हुई वो हुई डीमिलिटाइज्ड जोन के बीच में, जो कि यहाँ पर कोरिया के बीच में पड़ता है। देखो यहाँ पर जो शब्द का इस्तेमाल हुआ है जिसको आप लोग DMZ के नाम से जानते हो, ये क्या होता है? ये वो एरिया होता है जिसको किसी ट्रीटी किसी एग्रीमेंट के थ्रू यहाँ पर हम लोग ऐसा कर देते हैं कि वहाँ पर कोई भी मिलिट्री इंस्टॉलेशन नहीं होगी, कोई भी एक्टिविटीज़ नहीं होगी, चाहे वो पर्सनल हो या मिलिट्री से रिलेट करते हो। जो डीमिलिटराइज जोन है वो कभी कभार डी फैक्टो इंटरनेशनल बॉर्डर्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप लोग यहाँ पर बात करो 38 पैरेलल लाइन यहाँ पर नॉर्थ और साउथ कोरिया को डिवाइड करती है, तो वो यहाँ पर डीमिलिटराइज जोन है। इसके साथ साथ यहाँ पर जो इराक और कुवैत के बीच में एरिया है, दैट इज़ ऑल्सो डीमिलिटराइज जोन, ओके। और अंटार्कटिका और जो आउटर स्पेस के बीच में जो एरिया है उसको आप लोग DMZ डीमिलिटराइज जोन के नाम से जानते हो। बात हुई यहाँ पर न्यूक्लियर टॉक के बारे में। देखो इससे पहले हनोई वियतनाम के अंदर डोनाल्ड ट्रंप और किम जोंग उन के बीच में हुई थी मुलाकात, उस समय पर किम जोंग उन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों ने ही वॉकआउट कर लिया। वॉकआउट का कारण एक बहुत बड़ा ये बताया जा रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर किम जोंग उन को ये बोला कि आपके पास जितनी भी न्यूक्लियर एस्टैब्लिशमेंट है आप उन्हें डिस्ट्रॉय मत करो, आप उसे US को दे दो। तो ये कहीं ना कहीं जो चीज़ थी वो ट्रिगरिंग पॉइंट रही थी उस समय, बट यहाँ पर जो बातचीत है वो अब हमें फिर से रिज्यूम होती हुई नज़र आई थी। यहाँ पे पेज नंबर 14 पे एक और इसी से रिलेटेड आर्टिकल आया है जहाँ पर बताया गया है कि US प्रेसिडेंट जो कि नॉर्थ कोरिया के अंदर गए, वहाँ पर हनोई समिट के बारे में बात की गई, जहाँ पे डिसएग्रीमेंट कर दिया गया था। और DMZ हैज़ बीन अ रेगुलर स्टॉप फॉर US प्रेसिडेंट विजिटिंग दिस साउथ। और यहाँ पर एक और चीज़ बोली गई कि जो किम जोंग उन है ही हैज़ ऑल्सो रिक्वेस्टेड डोनाल्ड ट्रंप कि वो भी व्हाइट हाउस विजिट करना चाहते हैं। पेज नंबर वन पे आज बड़ी खबर मिलती है नागालैंड टू इनिशिएट इट्स ओन वर्जन ऑफ NRC नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन, जो कि अभी तक सिर्फ और सिर्फ असम के लिए स्पेसिफिक है, उसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करने की बात हो रही है। देखो NRC से रिलेट करते हुए बहुत सारी स्टेट्स, चाहे वो त्रिपुरा हो, नागालैंड हो, मिजोरम हो, सब डिमांड कर रहे हैं कि उनके स्टेट्स में भी NRC होने चाहिए। बट सुप्रीम कोर्ट के अंदर सेंटर गवर्नमेंट ने यहाँ पर एक एफिडेविट देते समय ये बोला कि NRC की ज़रूरत नहीं है, हमारे देश में पहले ही बहुत सारे ऐसे लॉज हैं जो कि इलीगल इमिग्रेंट्स से डील करते हैं और हम लोग हमारे देश में फॉरनर्स ट्राइब्यूनल खोलेंगे, ओके। तो फॉरनर्स ट्राइब्यूनल पूरे देश में खोलने की बात हो रही है, बट यहाँ पर नागालैंड ने स्टार्ट कर दिया है नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन का यहाँ पर इस्तेमाल करना, दैट नेबरिंग असम इज अपडेटिंग। नागालैंड के होम कमिश्नर R. रामाकृष्णन ने यहाँ पर एक नोटिफिकेशन इशू करते हुए बोला है
कि वो इस्टेब्लिश कर रहे हैं एक RIIN रजिस्टर ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेंट्स ऑफ नागालैंड, जिसका मेन मकसद है कि वो एक मास्टर लिस्ट बना सकें जितने भी इंडिजीनियस लोग हैं नागालैंड के अंदर, उससे रिलेट करते हुए चेकिंग द इश्यूएंस ऑफ फेक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट सर्टिफिकेट। डेजिग्नेटेड टीम्स हैं वो यहाँ पर विलेजेस में जाएंगे, अर्बन एरिया के अंदर जाएंगे फ्रॉम July 10, और लेस देन अ मंथ बिफोर असम इज टू पब्लिश इज फाइनल NRC, क्योंकि NRC की जो फाइनल लिस्ट है असम की वो हमें 31 July तक सबमिट होती हुई नजर आएगी। यहाँ पे कुछ सिटीजन चेक ले लेते हैं। देखो जो की स्टैटिस्टिक्स हैं नागालैंड के वो इस प्रकार से हैं कि यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो 19,88,636 है, नंबर ऑफ ट्राइबल्स और नॉन ट्राइबल्स कम्युनिटीज 25 है, पॉपुलेशन जो 16 रिकॉग्नाइज ट्राइब्स की है वो 90% है। अनलाइक अदर स्टेट्स नागालैंड का जो डिकेडल पॉपुलेशन है वो गिरता हुआ नजर आया है बाय 0.47% बिटवीन 2001 एंड 2011। जो डिकेडल ग्रोथ थी 1980 के अंदर वो 56% थी, जो डिकेडल ग्रोथ थी 1990 के अंदर वो 65% थी। यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें होंगी उनको मॉनिटर करेंगे होम कमिश्नर, और नागालैंड की जो एक्सरसाइज होगी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करने की उसके लिए 60 डे की 60 दिन की यहाँ पर डेडलाइन भी प्रोवाइड की गई है। एक्सटेंसिव सर्वे किया जाएगा विलेजेस के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, एंड इट विल बी प्रिपेयर्ड अंडर द सुपरविजन ऑफ ईच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। जो स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं उन्होंने जितने भी डिप्यूटी कमिश्नर्स हैं उनको ये डायरेक्शन दी है कि आप अपनी अपनी टीम बनाओ, उनको कॉन्स्टिट्यूट करो बाय अ नेम विद इन अ वीक ऑफ पब्लिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर नोटिफिकेशन। एंड वन मोर थिंग, एक वहाँ पे एक चीज़ होती है जिसको हम लोग हो के नाम से जानते हैं। नाउ व्हाट इज दिस हो? एक अपेक्स बॉडी होती है नागा ग्रुप्स की। ओके, तो ये आपके लिए एक सिंपल सवाल बन सकता है कि व्हाट इज हो? ओके, तो कन्फ्यूज मत होना, एक सिंपल एक अपेक्स बॉडी है, एक ग्रुप है नागा का। तो द सर्वे टीम जो है इट हैव बीन इंस्ट्रक्टेड टू विजिट ईच हाउस, और वो वहाँ पे जाके इंडिजीनियस हैबिटेंट्स की लिस्ट बनाएंगे। कहीं ना कहीं वे इस फॉर्मेट में बनाएंगे कि जो परमानेंट रेजिडेंट है उनकी लिस्ट अलग हो, प्रेजेंट रेजिडेंट्स की लिस्ट अलग हो। जो लिस्ट होगी उसको पब्लिश किया जाएगा हर एक रिस्पेक्टिव विलेजेस के अंदर, वार्ड्स के अंदर, और उनको फिर विलेज ऑथेंटिकेट करेंगे, वार्ड अथॉरिटीज ऑथेंटिकेट करेंगी उन्हें, और जो हर जो लिस्ट होगी वो टीम के द्वारा यहाँ पे साइंड आउट होगी। जो प्रोविजनल लिस्ट होगी उसको फिर पब्लिश किया जाएगा विलेजेस के अंदर, वार्ड्स के अंदर, और फिर वेबसाइट्स के अंदर भी उनको डाला जाएगा। एंड टाइम विल बी गिवन टिल October 10 फॉर एनी क्लेम एंड ऑब्जेक्शन आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द प्रोविजनल लिस्ट। पेज नंबर 12 पे इसी चीज़ से रिलेटेड एक और खबर मिलती है, पर यहाँ पर NRC को हम लोग वापस से अपनी पुरानी स्टेट असम से ही जोड़ेंगे। तो बंगालीज, हिंदू, मुस्लिम्स के बाद यहाँ पर जो गुरखाज हैं असम के वो भी रिसीविंग एंड पे हमें नज़र आ रहे हैं, क्योंकि उनका भी नाम हमें NRC की लिस्ट में छूटता हुआ नज़र आ रहा है। बेसिक इस आर्टिकल में जो प्रॉब्लम बताई गई है वो यही है कि जो NRC एक्सरसाइज जिसके ऊपर हम लोग इतना विश्वास कर रहे हैं उसके अंदर हम लोगों ने उनको समय भी दिया, डेडलाइन हम लोग एक्सटेंड करते जा रहे हैं, अब 31 जुलाई तक यहाँ पर डेडलाइन है। क्या यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि पूल फुल प्रूफ होगा जब हमारे सामने फाइनल लिस्ट आएगी? तो कुछ ऐसे लोग हैं जो कि आर्मी के सोल्जर्स हैं, आर्मी में रह चुके हैं, देश के लिए सर्व कर चुके हैं, और उनके नेम भी एक्सक्लूड किए जा रहे हैं सारी की सारी लिस्ट से। मूविंग ऑन, पेज नंबर 4 पे आपको खबर मिलती है, मस्ट सी फ्री लीगल एड एज अ लास्ट डिच ऑप्शन सेज रिपोर्ट। हमारे सामने एक रिसर्च पेपर आया है, रिसर्च पेपर यहाँ पर क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्पिरिकल एनालिसिस ऑफ फ्री लीगल एंड एड सर्विसेज। तो यहाँ पर जो फ्री लीगल एड सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं उससे रिलेटेड हमारे सामने एक रिसर्च पेपर आया है। सिस्टमैटिक प्रॉब्लम्स यहाँ पर सबसे पहले बताई गई हैं कि वाई बेनिफिशियरीज ऑप्टेड फॉर फ्री लीगल एड, जो लोग हैं वो फ्री लीगल एड की तरफ क्यों जाते हैं। देखो दो तरीके की एड होती है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नालसा के अंदर प्रोवाइड करती है फ्री लीगल एड, के साथ साथ आप लोग प्राइवेट एडवोकेट्स के पास, प्राइवेट लॉयर्स के पास जाकर भी अपने केसेस वगैरह लड़वा सकते हो। तो क्यों यहाँ पर जो बेनिफिशियरीज हैं वो फ्री लीगल एड की तरफ जाते हैं? सबसे ज़्यादा जो लोग हैं 75% उनका मेन चीज़ ये होती है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, उनके पास पैसे नहीं है कि वो प्राइवेट लॉयर के साथ अपनी एंगेजमेंट क्रिएट कर सके। ओके, उसके बाद क्या है कि जो क्वालिटी है लीगल सर्विसेज की वो LAC द्वारा, फिर कमिटमेंट जो है LAC के द्वारा, बाकी ऑप्शंस तो हैं, पर मेन चीज़ क्या है, मेन चीज़ है यहाँ पे मॉनिटरी थिंग, एवरेज टाइम स्पेंड बाय LAC लीगल एड काउंसिल ऑन लीगल एड एंड प्राइवेट केसेस। तो अगर आप इसे कंपेयर करोगे तो प्राइवेट केसेस के जो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो बढ़ते जा रहे हैं कि प्राइवेट केस में वो अपना ज़्यादा टाइम समय व्यतीत करते हैं इन कंपेरिजन टू लीगल एड केसेस। बेसिकली हमारे देश में जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हैं जो कि यहाँ पर हुआ एंटाइटल्ड फॉर फ्री लीगल एड सर्विसेज,
उनको यहाँ पर जो फ्री लीगल एड सर्विस है वो तभी एज एन ऑप्शन देखते हैं जब वो यहाँ पर प्राइवेट लॉयर को अफोर्ड नहीं कर पाते, मतलब बिल्कुल एकदम लास्ट रिसॉर्ट की तरह इन सब चीज़ों को देखा जाता है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ऑफ अ पैन इंडिया रिसर्च यहाँ पर की गई है नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी दिल्ली द्वारा, और यहाँ पर देखा गया है कि लोगों का फेथ नहीं है, लोगों को विश्वास नहीं है यहाँ पर लीगल एड काउंसिल की सर्विसेज के ऊपर, ओके, जो यहाँ पे भारत सरकार प्रोवाइड करती है। इसी को इस रिपोर्ट के अंदर निकाला गया जिसका नाम है क्वालिटी ऑफ लीगल रिप्रेजेंटेशन एंड एम्फेरिकल एनालिसिस ऑफ फ्री लीगल एड सर्विसेज इन इंडिया। थोड़ा सा बैकग्राउंड की तरफ आगे बढ़ते हैं। बैकग्राउंड स्टार्ट होता है 1987 से, लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट हमारे सामने आया था जिसको एनैक्ट किया गया था, जिसे फ्री और कॉम्पिटेंट लीगल सर्विसेज हम लोग गरीब जनता को, पुअर पीपल को प्रोवाइड कर सके। जो एक्ट था उसने यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूट किया नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी को, जिसको आप लोग नालसा के नाम से जानते हो, और लीगल सर्विसेज इंस्टीट्यूशंस स्टेट्स के अंदर, डिस्ट्रिक्ट के अंदर और तालुका लेवल के अंदर। पिछले साल कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट इनिशिएटिव CHRI ने यहाँ पर एक रिपोर्ट सामने निकाली थी जिसने इस चीज़ को स्टेट किया था कि इंडिया का जो पर कैपिटा लॉयर रेशियो है वो बहुत अच्छा है बाकी सारे देशों के मुकाबले। अब इसको आप लोग किसी भी सेंस में ले सकते हो, ये भी सोच सकते हो कि हमारे देश में जो LLB कराने वाले जो कॉलेजेस हैं उनकी संख्या बढ़ती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। अप्रॉक्सीमेटली 1.8 मिलियन लॉयर्स हैं हमारे देश में, जिसका ये मतलब है कि हमारे पास हर 736 लोगों के लिए एक लॉयर है। इसी रिपोर्ट ने यह भी स्टेट किया था कि 61,593 जो पैनल लॉयर्स हैं वो हमारे देश में हैं, जो कि यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली 1 लीगल एड लॉयर है पर 18,609 पॉपुलेशन के लिए, या 5 लीगल एड लॉयर है हर 1,00,000 पॉपुलेशन के लिए। जो फ्री लीगल सर्विसेज है अंडर द लीगल सर्विसेज एक्ट ऑफ, वो उन लोगों के लिए बेसिकली अवेलेबल होती है जो शेड्यूल ट्राइब हैं, शेड्यूल कास्ट हैं, विमेन हैं, चाइल्ड हैं, विक्टिम हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग के, डिफरेंटली एबल्ड पर्सन हैं, इंडस्ट्रियल वर्कमैन हैं, या कोई वो पर्सन है जो कि प्रोटेक्टिव होम की यहाँ पे कस्टडी के अंदर है, या कोई गरीब है, ओके, या पुअर है, उनके लिए। अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिक्स जो कि नालसा ने प्रोवाइड करी, अबाउट 8.22 लाख पीपल अक्रॉस इंडिया वो यहाँ पर लीगल एड सर्विसेज से हम लोगों को बेनिफिट होते हुए नजर आए हैं। पर फिर भी जब इतना उन्हें बेनिफिट मिल रहा है तो ये बड़ा सवाल ये है, जो बिग क्वेश्चन ये है वो यही है कि क्यों यहाँ पर प्राइवेट लॉयर्स को इतना ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। स्टडी ये कहती है कि अबाउट 75% जो बेनिफिशियरीज हैं वो फ्री लीगल एड तभी जाते हैं जब उनके पास कोई मीन नहीं होते, कोई रिसोर्सेज नहीं होते। स्टडी ने ये भी फाइंड आउट किया कि 60% जो वीमेन हैं जिनको पता है कि उनको फ्री लीगल एड सर्विस मिलती है तो भी वो प्राइवेट लीगल प्रैक्टिशनर की तरफ जाते हैं, क्योंकि दे हैव बेटर कंट्रोल ओवर दी लॉयर। देखो कंट्रोल एक बहुत बड़ी चीज़ है कि वो गवर्नमेंट नहीं, वो प्राइवेटली काम करेंगे, उनको पैसे मिलेंगे, ठीक है, एक ये भी चीज़ होती है कि उनको पैसे देंगे शायद वो अच्छे से काम करें। तो जो सर्वे है उसने इसी पर्टिकुलर चीज़ को फाइंड आउट किया है कि जो लीगल सर्विसेज होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं सरकारें और यहाँ पर जुडिशरी, उनके अंदर कोई फेथ नहीं है, कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। प्राइवेट लॉयर वर्सेज LSC के बारे में बात करें तो मेजोरिटी ऑफ द जुडिशियल ऑफिसर्स हैं 52% दे आर रेटेड ऑफ ओवरऑल स्किल सेट प्राइवेट लीगल प्रैक्टिशनर्स एज अ फेयरली गुड क्वालिटी, और यहाँ पर LSC की बात करें तो वो उनको मॉडरेटली लो क्वालिटी को हम लोग यहाँ पर रेट करते हैं। फुल टाइम एम्पैनलमेंट की बात करें तो करेंटली जो एंगेजमेंट है LSC की वो ऑन एडहॉक बेसिस होती है, दे आर नॉट ऑन परमानेंट बेसिस। अराउंड 45% जो रेगुलेटर्स होते हैं उनकी ओपिनियन ये है कि हमें उन्हें फुल टाइम कर देना चाहिए, जिससे कहीं ना कहीं जो कमिटमेंट लेवल है वो हमें इम्प्रूव होता हुआ नजर आएगा। साथ ही LAC कैन विदड्रॉ फ्रॉम एन एडिड केस बाय सबमिटिंग अ रीजन टू मेंबर सेक्रेटरी। इस सिनेरियो में क्या होता है, जो बेनिफिशियरी होता है उसके लिए बहुत मुसीबत का कारण हो जाता है, उसके पास कोई लॉयर नहीं होता, उसको फिर नया LAC दिया जाता है और फिर उसके साथ यहाँ पर कम्युनिकेशन गैप हो जाता है। ये जो इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम है इसको हम लोग टैकल कर सकते हैं, हम ऑनेरियम बढ़ाकर कि ऑनेरियम दिया जाए यहाँ पर LAC को, और यहाँ पर इन सब चीज़ों के ऊपर सुधार की ज़रूरत है जिसके लिए भारत सरकार को काम करने हैं। पेज नंबर 4 पे खबर मिलती है 9 डेड 564 हॉस्पिटलाइज्ड इन दिस ईयर्स हीट वेव इन महाराष्ट्र से DHS डेटा। यहाँ पर हमारे सामने डेटा आया है उसके हिसाब से बात की गई है हीट वेव के बारे में। सो हीट वेव्स एंड हेल्थ से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट चीज़, हीट रिलेटेड मोर्टैलिटीज हैव बीन ऑब्जर्व टू बी वर्सन इन कोस्टल एरियाज, और हायर ह्यूमिडिटी की वजह से कोस्टल एरिया में ज़्यादा इम्पैक्ट होता हुआ नज़र आता है, इसलिए बहुत ज़्यादा हमारे देश का जो सिटीजनशिप है वो यहाँ पर वल्नरेबल कैटेगरी के अंदर आ जाती है। 2017 के अंदर स्टडी ने हुई थी, इसमें यह बताया था कि 0.5 डिग्री राइज हमें देखने को मिला एवरेज समर टेम्परेचर के अंदर, तो यहाँ पर इंडिया की जो हीट रिलेटेड मोर्टैलिटी है वो 2.5 टाइम्स से बढ़ जाएगी। ये यहाँ पर पर्टिकुलरली अर्बन एरिया के अंदर ज़्यादा इम्पैक्ट करते हैं क्योंकि अर्बन एरिया बन जाते हैं हीट आइलैंड, और इस वजह से ज़्यादा इम्पैक्ट हमें होता हुआ नज़र आता है।
आप लोग यहाँ पे कंपेयर करो 2011 से 2019 के बीच में, तो जो केसेस की संख्या है वो हमें बढ़ती हुई नज़र आ रही है, बट इन कंपैरिजन 2016 से तो कम ही है, है ना। 2016 में डेथ्स भी ज़्यादा हुई थी, बट फिर भी आप देखोगे तो इन कंपैरिजन यहाँ पर 2019 में भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। इफेक्ट क्या होता है, बेसिकली लोगों को बहुत ज़्यादा सिम्टम्स डेवलप होने लगते हैं। हीट वेव कब होती है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। बेसिकली हम लोग ये मानते हैं कि 40 डिग्री सेल्सियस से प्लस 5 डिग्री सेल्सियस अगर पहुंच जाता है तो उसके बाद यहाँ पर नॉर्मल प्लेन्स के अंदर जब गर्म हवाएं चलती हैं, जिसको आप लोग जनरली लू के नाम से जानते हो, दे आर हीट वेव्स। अब हीट वेव्स में क्या होता है, हीट एग्जॉशन हो जाता है, क्रैम्प्स हो जाते हैं, रैशेज हो जाते हैं, आपको थर्स्ट फील होने लगती है इंटेंसिटी के साथ, फटीग, डिसओरिएंटेशन, पेन होने लगता है, कभी कभार आप फेंट हो जाते हो, वॉमिट करने लगते हो। और अगर हीट स्ट्रोक यहाँ पर ज़्यादा समय तक किक ऑन होने लगते हैं तो यहाँ पर ब्रेन को भी डैमेज पहुँचा सकते हैं। वाटर शॉर्टेज की हमारे देश में कमी चल रही है। स्काईमेट ने इस चीज़ को प्रेडिक्ट किया है कि जो मानसून है वो बिलो एवरेज रहेगा 2019 के अंदर, और जो हाई हीट है इट विल फोर्स पीपल टू एक्सट्रैक्ट फ्रॉम ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की संख्या पहले ही कम होती हुई हम लोगों को नज़र आ रही है। इट विल ऑल्सो बी एग्जेसरेटेड सरफेस वाटर एवेपोरेशन, के साथ साथ एक्सेसिव हीट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। हमारे देश के यहाँ पे एग्रीकल्चर का कैसा ग्रोथ रहेगा, देश की जीडीपी में, इकोनॉमी के अंदर भी इसका एक इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है, बात हो रही है यहाँ पर शैडो कैबिनेट के बारे में। शैडो कैबिनेट का जिक्र आपने अपनी पॉलिटी के अंदर बार बार सुना होगा। वेस्टर्न नेशन शैडो कैबिनेट का जो कॉन्सेप्ट है उसे अप्लाई करते हैं कि यहाँ पे जो हमारी रियल कैबिनेट है उसके साथ अपोजिशन पार्टी अपनी कैबिनेट बना देती है, जो कि नज़र रखती है उस कैबिनेट की पॉलिसीज़ के ऊपर, डिसीजंस के ऊपर, और उसके ऊपर अलग अलग रिपोर्ट्स प्रिपेयर करते हैं। इन सिमिलर टाइप यहाँ पर आंध्र प्रदेश के अंदर अब नई सरकार आ गई है, जगनमोहन रेड्डी जी की सरकार आ गई है, और जो हमारे जो अब नहीं रहे हैं, जो एक्स चीफ मिनिस्टर हैं चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ डिसाइड किया कि वो अपनी बनाएंगे एक शैडो कैबिनेट टू कीप अ क्लोज वॉच ऑन वर्किंग ऑफ जगन मोहन रेड्डी। तो ये एक नई चीज़ है हमारे देश में स्टार्ट हो रही है, दैट इज शैडो मिनिस्टर्स और शैडो कैबिनेट। पेज नंबर 8 पे खबर मिलती है, डॉक्टर्स ड्यूपिंग पीपल थ्रू एड्स। देखो पिछले कुछ दिनों पहले मैंने आपको डॉक्टर्स और एड्स से रिलेटेड एक और आर्टिकल पढ़ाया था, जहाँ पे बताया था कि डॉक्टर्स अपना एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, दे आर नॉट अलाउड टू डू एडवर्टाइजमेंट। इसके साथ साथ जो बड़े बड़े मेडिकल हॉस्पिटल्स हैं वो भी डॉक्टर्स की पिक्चर्स लगा के, डॉक्टर्स की यहाँ पे क्वालिफिकेशन लिख के उनके लिए यहाँ पर एडवर्टाइजमेंट नहीं रख सकते, वो यहाँ पर मॉडल कोड ऑफ एथिक्स के खिलाफ आता है। क्वालिफाइड डॉक्टर्स जो हैं एज वेल एज क्वैक्स कंटिन्यू टू प्लेस एडवर्टाइजमेंट, चाहे वो मीडिया के अंदर हो, सोशल मीडिया के अंदर हो, और ये क्लेम करते हैं कि वो हर हालत में डिजीज़ को क्योर कर देंगे डिस्पाइस एक्टिविस्ट चैलेंजिंग द प्रैक्टिस बिफोर रेगुलेटरी प्रोसीजर्स। यहाँ पर ज़्यादातर जो एड्स हैं वो ट्रेडिशनल मेडिकल प्रैक्टिशनर्स द्वारा सामने रखे जाते हैं, जिनको आप लोग नट्टू वैद्यायन या जिसको हम लोग हिंदी में वैद्य के नाम से जानते हैं, जो अपने आप को वैद्य कहते हैं, बट वी आर नॉट क्वालिफाइड, उनके पास कोई डिग्रीज नहीं होती हैं। केरला शास्त्र साहित्य परिषद KSSP के कैंपेन चल रहा है अगेंस्ट दी स्यूडो साइंस यूजिंग लॉ एंड एथिक्स, जो कैप्सूल को हम लोग कहते हैं, तो उन्होंने यहाँ पे फाइल करी है कंप्लेंट 13 इंस्टीट्यूशंस के खिलाफ और डॉक्टर्स के खिलाफ, विवोन तमनकोर कोची मेडिकल काउंसिल, और बोला है कि वो लोग गलत काम कर रहे हैं, इस तरीके से अलाउड नहीं है। कोची मेडिकल प्रैक्टिशनर एक्ट 1953 के खिलाफ है, इंडियन मेडिकल सेंट्रल काउंसिल एक्ट 1970 के खिलाफ है। कुछ जो यहाँ पे वैद्य हैं वो ये क्लेम करते हैं कि दे आर नॉट प्रैक्टिसिंग आयुर्वेदा, वो ट्रेडिशनल मेडिसिन कर रहे हैं। मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयुर्वेदा एंड ट्रेडिशनल मेडिसिन, ओके। तो ये क्या कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, इस तरीके से लोगों को कैच आउट करने की कोशिश करते हैं, उनके पास कोई डिग्री नहीं होती है, ऐसे लोगों को इम्पैक्ट भी हो सकता है। पेज नंबर 9 पे खबर मिलती है, कोऑपरेटिव हेल्प टेक्स अ ट्राइबल क्राफ्ट टू अमेजॉन्स ग्लोबल मार्केट प्लेस। यहाँ पर अमेजॉन का इस्तेमाल हमें दिन पे दिन बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, चाहे वो अमेजॉन हो, फ्लिपकार्ट हो, मतलब ई कॉमर्स इंडस्ट्री बढ़ रही है हमारे देश में। इसकी वजह से हमारे बहुत सारे सेक्टर्स को फायदा हो रहा है, खासकर जो फार्मास्यूटिकल है और जिन चीज़ों को हम लोग GI टैक्स दे रहे हैं, फ्रॉम स्टनिंग बॉम का एकांथा इकत साड़ी, जिनके यहाँ पर ज्योमेट्रिकल शेप्स होती हैं, अलग अलग एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ ज्वेलरी, अब इसके साथ साथ यहाँ पर जो आर्टिस्टिक चीज़ें हैं जो आदिवासी कम्युनिटी की हैं, उनको भी अमेजोन की ग्लोबल मार्केट प्लेस पर हम लोग शोकेस करेंगे। जो ट्राइफेड है उसने यहाँ पर एग्रीमेंट साइन आउट किया है अमेजोन के साथ, ओके। तो याद रखना ट्राइफेड जो है ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन, जो कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं, मेजर और माइनर जो यहाँ पे चीज़ें होती हैं उनको यहाँ पर मार्केट करने का काम यहाँ पे ट्राइफेड करती है। पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है, प्रोसीजरल कंसर्न इन फोकस एज GST एंटर्स थर्ड ईयर। 1 जुलाई 2017 ये वो पर्टिकुलर साल है जब GST हम लोगों के लिए सामने आया था। GST के बारे में यहाँ पे बात हो रही है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इट्स एन इनडायरेक्ट टैक्स जो कि आज आप लोगों को देना पड़ता है। उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें, हाईलाइट्स आपको बताता हूँ।
इन दी थर्ड ईयर जीएसटी रिजीम के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होंगी प्रोसीजरल कॉम्प्लेक्सिटीज, जिसके लिए जीएसटी पोर्टल सिस्टम को हम लोग इम्प्रूव करने वाले हैं। सरकार ने बोला है कि वो जीएसटी 2.0 जल्दी लॉन्च कर देंगे। सरकार ने यहाँ पे सरल और सहज ऐसे सिस्टम्स भी लेकर आए हैं जिससे वन स्टॉप पोर्टल और भी ज़्यादा आसान हो सके। जो नया जो इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम हमारे सामने आएगा अकॉर्डिंग टू द ट्रेड बॉडीज, उससे क्या होगा, जीएसटी काउंसिल ये चीज़ डिसाइड कर रही है कि सिस्टम को और ईजी और मॉडिफाइड बनाया जा सके। जो रेवेन्यू कलेक्शन है पहले दो सालों में वो हमें बहुत बेहतरीन देखने को मिला, ऑल दो तीसरे साल हम लोगों को थोड़ा सा रेवेन्यू थोड़ा कम होता हुआ नजर आया। वी आर एक्सपेक्टिंग कि 1,00,000 करोड़ से ज़्यादा होगा, पर वो फिर भी 80,000 करोड़ रुपीज़ तो आराम से टच कर ही रहा था। जीएसटी काउंसिल बहुत ज़्यादा मेहनत कर रही है जिससे रूल्स एंड प्रोसीजर्स को चेंज कर सकें, इंटरनल रिजोल्यूशन ले सकें, टैक्स कंसल्टेंट से बात की जा रही है। जो नया जीएसटी का होगा वो पिछले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट हमें होता हुआ नजर आएगा। पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है मनी एंड स्विस बैंक इंडिया रैंक 74। तो इंडिया की रैंक यहाँ पर एक पद से यहाँ पर नीचे हो गई है। हमारी रैंक है 74 इन टर्म्स ऑफ मनी पार्क्ड बाय सिटीजन एंड एंटरप्राइजेज विद स्विस बैंक। इंडिया की रैंक 73 थी पिछले साल, उससे पहले यहाँ पर 88 थी, 88 से हम लोग 73 आ गए थे, मतलब पैसे ज़्यादा आ रहे थे, अब यहाँ पर थोड़ा कम हो गए हैं, 74 यहाँ पर रैंक आ गई है। जो एनालिसिस है वो किया गया है बाय द बैंकिंग स्टेटिस्टिक्स ऑफ स्विस एंड नेशनल बैंक, उन्होंने खुद ही किया है ये पर्टिकुलर एनालिसिस, वेल अकाउंटिंग फॉर 0.07% ऑफ द एग्रीगेट फंड्स जो कि यहाँ पे फॉरेन क्लाइंट्स पार्क करते हैं स्विट्जरलैंड बेस्ड बैंक्स के अंदर। पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है नेवी लाइंस अप मेगा डील्स फॉर हेलीकॉप्टर एंड सबमरीन्स। इंडियन नेवी एक सेवरल मल्टी मिलियन डॉलर के डील करने वाली है हेलीकॉप्टर के लिए, लॉन्ग रेंज मेरीटाइम पेट्रोल के लिए, सबमरीन्स के लिए, और ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के ऊपर करेंगे जिसके अंदर हम लोग प्राइवेट पार्टनर्स की मदद से लेकर यहाँ पर इंडिजीनियसली डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। मेक इन इंडिया प्रोग्राम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो डील है 24MH60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर की और P8I LRMPA की एडवांस स्टेज में है विद US थ्रू देयर फॉरन मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स। मूविंग ऑन पेज नंबर 13 पे एक और इंपॉर्टेंट न्यूज़, के नटराजन हेड करेंगे कोस्ट गार्ड को। तो के नटराजन विल टेक ओवर एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड्स। पेज नंबर 13 पे खबर मिलती है व्हाई न्यूक्लियर व्हेन इंडिया हैज अ ओशन ऑफ एनर्जी। हम लोग बार बार न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर क्यों फोकस करते हैं जब हमारे पास ओशन ऑफ एनर्जी है, जब हम लोग यहाँ पर समुद्र को, कोस्ट को, टाइडल एनर्जी को ऑक्यूपाई करके। देखो इंडिया का जो 6,780 मेगावाट के जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो हमारे देश की इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के 3% से भी कम कंट्रीब्यूट करते हैं। फॉर एस इंडिया लॉस्ट इट्स न्यूक्लियर गेम इन 1970 जब इंडिया ने नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को साइन करने से मना कर दिया था, इवन इफ विद द बेस्ट ऑफ द रीजंस। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जो न्यूक्लियर एनर्जी का प्रोग्राम है वो हमारे देश में स्लो डाउन हो गया। 1950 के अंदर जो लेजेंडरी फिजिसिस्ट हैं डॉक्टर होमी भाभा, उन्होंने हमारे देश को एक रोड मैप दिया कि हम लोग किस तरीके से न्यूक्लियर एनर्जी डेवलप कर सकते हैं। इन द नाउ फेमस 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम, आजकल हम लोग 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं, जो रोड मैप है उसको ले डाउन किया गया था कि हमारे देश को कितनी ज़रूरत है, हमारे देश में थोरियम के रिसोर्सेज कितने हैं। फर्स्ट स्टेज वुड सी द क्रिएशन ऑफ अ फ्लीट ऑफ प्रेशराइज्ड हैवी वाटर रिएक्टर्स जिसके अंदर हम लोग यूरेनियम का इस्तेमाल करते हैं प्लूटोनियम को बनाने के लिए। दूसरी स्टेज के अंदर वी वुड सी द सेटिंग अप ऑफ सेवरल फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स, और जो फास्ट ब्रीडर रिएक्टर्स हैं यहाँ पर मिक्सचर इस्तेमाल किया जाता है प्लूटोनियम का एज वेल एज यहाँ पर यूरेनियम का फ्रॉम द फर्स्ट स्टेज, जिसकी वजह से हम लोग एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं और ज़्यादा प्लूटोनियम का यहाँ पर इस्तेमाल होता है बिकॉज यूरेनियम वुड ट्रांसम्यूट इनटू प्लूटोनियम। अलॉन्ग साइड जो रिएक्टर्स हैं वो कन्वर्ट करते हैं कुछ थोरियम को यूरेनियम 233 के अंदर, विच कैन ऑल्सो बी यूज टू प्रोड्यूस एनर्जी। तीन से चार डिकेड के बाद यहाँ पे जो FBRs हैं दे वुड हैव प्रोड्यूस्ड एनफ प्लूटोनियम फॉर यूज इन द थर्ड स्टेज, और यहाँ पे जो तीसरी स्टेज है यूरेनियम 233 का स्पेशली डिजाइन रिएक्टर फिर हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो कन्वर्ट मोर थोरियम इनटू यूरेनियम 233 यू कैप इट ऑन थोरियम एंडलेसली। तो यहाँ पे 70 ईयर्स डाउन द लाइन इंडिया इज स्टिल स्टक एट द फर्स्ट स्टेज, अभी भी हम लोग यहाँ पर 3-स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम में फर्स्ट स्टेज पे ही अटके हुए हैं। अब प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर ऑब्वियसली हमारे देश में आ रहे हैं बट अभी भी उनको ढंग से तरीके से इम्प्लीमेंट होना ज़रूरी है। प्रॉब्लम यह है कि हमारे देश में लिक्विड सोडियम को हैंडल करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि लिक्विड सोडियम को हम लोग एज अ कूलेंट इस्तेमाल करते हैं। अगर सोडियम थोड़ा सा भी पानी के साथ कॉन्टैक्ट में आ जाता है तो उससे एक्सप्लोड होने के चांसेस होते हैं, और जो यहाँ पर ह्यूमिड कोस्ट पे हम लोगों ने ये बना रखे हैं अपने न्यूक्लियर पावर प्लांट्स खासकर तमिलनाडु के अंदर,
तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका हम लोगों को याद रखना है, ओके, कि थोरियम साइकिल को हम लोग याद रखना है। ऑफकोर्स यहाँ पर 2005 के अंदर जो इंडिया और यूएस के बीच में न्यूक्लियर डील हुई उसके अंदर कुछ प्लान्स क्रिएट गए कि हम लोग रिएक्टर्स को इम्पोर्ट करेंगे, बट 2010 के अंदर इंडिया की जो न्यूक्लियर लायबिलिटी है वो यहाँ पर कहीं ना कहीं फॉरनर्स को दूर ले गई, हमारे यहाँ जो लॉज हैं कहीं ना कहीं फॉरनर्स को हमसे दूर रह गए। सवाल ये आता है कि क्या न्यूक्लियर एनर्जी में इतना इन्वेस्टमेंट करना सही है? सो देयर हैव बीन 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी कि वो क्लीन है, चीप है और वो इलेक्ट्रिसिटी 24/7 प्रोवाइड कर सकते हैं। सो टिकली इशू ये है कि क्या वो हार्मफुल हो सकते हैं, ठीक है, इसके ऊपर अभी बात चल रही है, बट चीप इट इज़ नो लॉन्गर इज, क्योंकि यहाँ पर जो रेट थे वो बढ़ते हुए जा रहे हैं। एवरेज कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस्ड बाई एग्जिस्टिंग 22 रिएक्टर्स इज अराउंड ₹2.8 किलोवाट पर आवर, पर जो नए प्लांट्स हैं उनके हिसाब से 15-20 crore पर मेगावाट यहाँ पर रिक्वायरमेंट है चाहिए उन्हें सेटअप करने के लिए। जब उन्हें कमर्शियली सोल्ड किया जाएगा तो ₹7 पर यूनिट सोल्ड किया जाएगा। न्यूक्लियर प्लांट्स कैन प्रोवाइड द बेस लोड, ओके, वो बेस लोड प्रोवाइड कर सकते हैं, दे कैन गिव स्टेडी स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन डे एंड नाइट जैसे कोल या गैस प्लांट्स प्रोवाइड करते हैं, पर यहाँ पर अभी भी विंड सोलर जो रिन्यूएबल एनर्जी वाली चीज़ें हैं वो अभी भी हमारे लिए चीपर हैं। ओशन एनर्जी की बात करें तो सीज आर लिटरली थ्रॉबिंग विद एनर्जी, हम लोगों को उनको यूटिलाइज करना चाहिए, ठीक है, चाहे वाटर एनर्जी को, ओशन स्वेल्स को, टाइडल्स को, टर्बाइंस लगाकर, बाकी सारी चीज़ें करके। बट सी वाटर इज डेंस, हैवी, व्हेन इट मूव्स इट कैन पंच हार्ड, और वो नॉन स्टॉपिंग है, रिन्यूएबल है, तो हम लोग इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते हैं? पेज नंबर 22 पे खबर मिलती है, WHO ब्रिंग्स ए नॉर्म्स ऑन सेल्फ केयर इंटरवेंशंस। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया है अपने पहले गाइडलाइंस कि आप लोग कैसे सेल्फ केयर करोगे, खुद की केयर करोगे फॉर हेल्थ इन रिस्पॉन्स टू एन एस्टिमेट। यहाँ पे 2035 के अंदर जो पूरी दुनिया है वहाँ पे 13 मिलियन हेल्थ केयर वर्कर्स की कमी होगी। इनफैक्ट एटलीस्ट 400 मिलियन पीपल वर्ल्ड वाइड जो हैं उनके पास हेल्थ सर्विसेज का एक्सेस ही नहीं है। पहली वॉल्यूम के अंदर यहाँ पे गाइडलाइंस बताई गई हैं सेक्सुअली एंड रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड राइट्स के बारे में, कुछ इंटरवेंशंस बताए गए हैं, सेल्फ सैम्पलिंग बताई गई है ह्यूमन पेपिलोमा वायरस की, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ की, ह्यूमनो वायरस की, तो इनके बारे में यहाँ पे WHO ने पेश किया है कि आप कैसे कैसे चीज़ें करेंगे। बेसिकली जो इंडिविजुअल की एबिलिटी है उसको हार्नेस करने की कोशिश की जा रही है। WHO इस्टेब्लिश करिए कम्युनिटी ऑफ प्रैक्टिस फॉर सेल्फ केयर, प्रमोट कर रही है कि लोग खुद को यहाँ पर केयर दे सकें। नो डाउन किया कि सेल्फ केयर जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, ओके, हुआ नेगेटिवली अफेक्टेड बाय जेंडर, पॉलिटिकल कल्चर या पावर डायनामिक्स, ओके, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट रहती है। आज के न्यूज़पेपर में इतनी खबरें थी, कैसा लगा आप लोगों को लाइक का बटन दबाकर आप लोग मुझे बता सकते हो। वीडियो के एंड करते हैं, सो लव एंड पीस फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर गाइज एंड हैव अ गुड डे अहेड।